मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे बस लंबी लंबी जो एक में से दो पीस कर दिए मैंने मिर्ची के, वो डाल दिए क्योंकि मैं बताऊँ कि ये एक साइड में दूध भी बॉयल हो रहा है क्योंकि आज लब स्कूल जाएगा और आज है 1 जुलाई है तो लब को जाना है स्कूल। तो वही मैंने सोचा कि उसके 7:30 के स्कूल है तो फिर मैंने सोचा कि पहले सब्जी बना के रख देती हूँ फिर उसके बाद मैं पराठे सेक दूँगी उसके लिए। तो मेरे पास भिंडी रखी हुई थी तो वैसे बच्चों को है ना भिंडी आलू की सूखी सब्जी अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी रख देती हूँ, आज भिंडी है भी है मेरे पास में। तो यहाँ पे बस तेल अच्छी तरह से डाल दिया था, उसके बाद ढक के रख दूँगी और मसाला वगैरह भून लिया था और बहुत जल्दी बन गई थी। और इसके बाद गाइज़ मैं बताऊँ कि मैं नहा के आती हूँ, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी गाइज़, और फिर मैंने ना पूजा भी कर ली थी, आज मंडे था तो फिर थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, और मेरा ये भी था कि लव स्कूल जाए ना तब तक मेरी पूजा हो जाए क्योंकि बाकी काम तो मैं सारे बाद में करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइज आज है दिन मंडे और मैं बताऊँ गाइज कि लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है और सुबह का सारा काम हो चुका है, बस अभी ये है कि घर थोड़ा मैसी हो रहा है, किचन वगैरह सब मैसी हो रही है। मतलब आज 1 जुलाई है ना तो लब का स्कूल जाना था, सुरभि का आज नहीं था स्कूल जाने का, तो लब का स्कूल जाना था तो लब 5 बजे का उसने अलार्म लगा दिया था तो हम लोग है ना 5 बजे मतलब मैं उठ गई थी, लब तो सो रहा था क्योंकि लब 7:30 के स्कूल है तो मैंने कहा 5 बजे से, अभी क्या है कि अभी हम लोग है ना 5 बजे तो नहीं उठते हैं, कभी 5:30 बजे या फिर 6 बजे या 6:30 बजे ऐसे हम आराम से उठते हैं कोई दिन, लेकिन अभी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो फिर अब टाइम से उठना पड़ेगा, फिर तो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा कि आपको इतने बजे उठना है। तो लब का 7:30 का है तो मेरा ये था, मैंने कहा लब स्कूल जाए तब तक मैं नहा लूँ और आज मंडे है तो मेरी पूजा भी हो जाए। और लब का मैं बताऊँगा इसकी, लब है ना 10th क्लास में आ गया है और वो न्यू स्कूल में गया है तो वो रात को भी थोड़ा है ना मतलब नर्वस सा हो रहा था और बहुत ज़्यादा हो रहा था। हुआ ये था कि मैं आपको बताऊं कि लब के पापा ने बोल दिया कि तू स्कूल चला जाइयो, मतलब उसको कई बार स्कूल गए तो लेके तो बोल दिया कि तू चला जाइए, अब तब से वो नर्वस हो रहा था कि क्योंकि लब के पापा और सुरभि है ना रिको में है, रिको में चले गए थे तो वो बोले कि लब के पापा ने बोले कि मैं इतनी जल्दी कैसे आऊँगा, तू चला जाइयो, तब से लब परेशान हो रहा कि उसने अपने पापा से तो कुछ नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊँगा, फिर मैंने उससे बोला कि मैं चलूँगी तू टेंशन मत करे मैं चलूँगी तेरे साथ में। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ये था कि स्कूल उसके मतलब 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, हम निकल जाएंगे 7 बजे स्कूल से, जितना भी काम हो पाएगा उतना कर लेंगे, मेरी ठाकुर जी की पूजा भोलेनाथ की पूजा हो जाए क्योंकि मतलब ये है कि नहा के पूजा हो जाए अपने घर की उसके बाद आप कहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा बाथरूम वगैरह भी जाना आना पड़े तो कोई टेंशन नहीं, तो सबसे पहले पूजा का रहता है तो वही फिर, लेकिन फिर बाद में लब के पापा मैंने तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा ने बोल तो दिया था लब से कि तू चला जाइए तूने देखा तो है ही है और आदत भी तेरी पड़ जाएगी, लेकिन है ना फिर है ना मैंने बोल दिया था ना कि मैं छोड़ के आऊँगी, लब थोड़ा परेशान सा हो रहा था कि शुरू के 2-4 दिन ऐसे लगेंगे उसे, मैंने कहा मैं छोड़ आऊँगी, लेकिन फिर लब के पापा ने ना फिर आ गए थे 6:30 बजे, उनको लगा कि ये इसको जाना पड़ेगा फिर ये, तो फिर वो आ गए थे सुरभि और लब के पापा दोनों ही आ गए थे, फिर लब को छोड़ गए, लब स्कूल से आ गया गाइस, न्यू स्कूल बोतल तो ले आना।
यहाँ पर लव स्कूल से आ गया था, तो फिर उस आकर फिर मैंने उसके लिए प्लेट वगैरह लगाई थी, मैंने कहा तू खाना खा ले। और उससे पूछा था कि पहला दिन तेरा कैसा रहा था स्कूल में टीचर। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि खाना पीना सबको हो ही गया था, फिर दोपहर का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैं ब्लाउज लेकर बैठ गई थी, मैंने कहा घर के काम में अगर लगे रहो तो वो काम कभी आपके ख़त्म नहीं होंगे। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि ब्लाउज मैं अपने काट लूँ या साड़ियों पे फॉल रख दूँ, लेकिन है ना मन ही नहीं हो रहा था मेरा और कुछ। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना ब्लाउज, ये एक ब्लैक वाला सादा ब्लाउज काट की कटिंग की थी। और फिर हुआ क्या था गाइस, इसकी कटिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन मेरे से एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लगभग है ना 8:30-9 का टाइम हो रहा, लव के पापा आ चुके थे और वो बच्चों के लिए लेकर आए थे, क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, वही जो भेलपूरी बनाते हैं ना, वो बच्चों ने मंगाए थे अपने पापा से। तो वही, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं सुरभि से बोल रही थी, सुरभि तू है ना डब्बा लिया, मैंने किचन में साफ़ करके रखा है डब्बा, मैं उसमें भर दूँगी तो वो सीलन वगैरह नहीं होगी, जैसे थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ना, मॉइस्चर आ जाता है। और यहाँ पे लव के पापा लेटे हुए थे क्योंकि वो अब डेयरी पर ही जाएंगे, तो यहाँ वो लेटे हुए थे। चोर 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 गाइस, इसको देखो कैसे खा रही है, देखो पैकेट से निकाल कर। देखिए गाइस, पहले लाई खानी है, उसके बाद पंगा कर दे, पहले पंगा बंद कर दे, डेट उसके नीचे, मांस के नीचे रख लो पहले, ये नीचे रख लो, अरे इसके नीचे बंद है, इसको रख लो। ओ सॉरी गाइस, पूरी डब्बे को खा लेना, अब थंबनेल ले ले गाइस, चोर को मुरमुरे मुरमुरे हमारे यहाँ तो इसे लाई बोलते हैं, लाई बोलते हैं और मुरमुरे बोलते हैं, मुरमुरे मुरमुरे तो उसको बोलते हैं ना शायद से, वो लड्डू से होते हैं इसके, लड्डू होते हैं वो, हम लेके आए थे ना कल उड़के उड़के। भेलपुरी को तो भाजे बोलते हैं, कोई चटपटे कहते हैं, कोई भेलपुरी कहते हैं। गाइस देख सकते हो इधर भर चुका है, लेकिन माँ दिखाने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। प्लीज गिव मी, इसको तो हम कहते हैं। गाइस मैं बताऊं, सुरभि और लव के पापा चले गए हैं रिको, और काट ले उधर बैगन और मैंगो कैसे लुढ़क रहे हैं। तो गाइस मैं बताऊं कि लव के पापा चले गए रिको, तो फिर मन नहीं लगता गाइस, वो लोग चले जाते हैं ना फिर उनको भी नहीं अच्छा लगता, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, ना बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस नींद आएगी देर में, काफ़ी देर में नींद आएगी, बोले लो बात नहीं, नहीं मैं सिखाऊंगी, मुझे ये लोग तो पूरे हाथ अपने ऐसे निकल कर लेने खराब। तो गाइज यहाँ पे करेंगे वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।